हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटेक एजुकेशन पर। मैं मोहन आज नए टॉपिक के साथ आया हूँ और आज हम लोग बात करेंगे स्लज एंड स्केल फॉर्मेशन पर। ठीक है, तो हम बॉयलर प्रॉब्लम्स पढ़ रहे थे। बॉयलर्स प्रॉब्लम के अंदर हमने प्राइमिंग एंड फॉर्मिंग देख लिया था। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाली है, आप लोग वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। आज हम कंप्लीट स्टडी करेंगे स्लज एंड स्केल फॉर्मेशन के ऊपर। ठीक है, ये आपने आपकी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं देखा है कि स्लज क्या है और स्केल क्या है, ये कहीं ना कहीं आपने देखा है। ठीक है, और अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा तब आपको पता चलेगा कहां पर आपने इसको देखा है। बस हाँ, ये हो सकता है आपको उस नाम से पता नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बेसिक डेफिनेशन बता देता हूँ स्लज की और स्केल की क्या होती है। स्लज हमारा होता है जो सॉफ्ट होता है, लूज एंड स्लीमी प्रिसिपिटेट होता है। ठीक है, अगर आपसे कोई बोलता है कि स्लज क्या है, तो स्लज एक सॉफ्ट है, लूज है, मीन्स सॉफ्ट जो रहता है, सॉफ्ट प्रिसिपिटेट या फिर लूजली बाउंडेड प्रिसिपिटेट को हम क्या बोलते हैं, स्लज बोलते हैं। क्लियर है? वहीं अगर आपसे कोई पूछता है स्केल, स्केल क्या होती है, तो स्केल्स आर हार्ड डिपॉजिट। ठीक है, स्केल हमारे क्या होते हैं, हार्ड डिपॉजिट होते हैं। अब ये स्केल क्या है, स्लज क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो। ठीक है, तो यहाँ से डेफिनेशन तो आपको क्लियर हो गई होगी। तो आप इस डायग्राम में देखेंगे तो ये लूजली जो प्रिसिपिटेट्स है, ये जो डॉट के फॉर्म में जो यहाँ पर पड़े हैं, देखा ब्लैक डॉट्स जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये जो मैंने ब्लू डॉट्स बना दिए, ये ब्लू डॉट्स हमारे क्या लूज प्रिसिपिटेट है जो कि वाटर के अंदर सस्पेंडेड है, इसको हम बोलते हैं क्या, स्लज। ठीक है, ये हमारा है बॉयलर, ये बॉयलर है एक जस्ट एग्जांपल, नीचे से हम इसको हीट कर रहे हैं। ठीक है, तो सारी बातें यहाँ से क्लियर हो गई होगी कि स्लज क्या है। स्लज हमारा क्या है, लूज प्रिसिपिटेट है जो कि वाटर के अंदर सस्पेंड होता है। वहीं हम बात करते हैं अगर कि स्केल क्या है, तो स्केल देखो ये हमारी बॉयलर है, बॉयलर की वॉल है, तो बॉयलर की वॉल के अंदर जो हमारा क्या बोल सकते हैं हम कि इस वॉल के अंदर जो जो भी डिपोजिशन हुआ है, ये डिपोजिशन हमारा स्केल कहलाता है। ठीक है, देखो इसमें यहाँ पर क्या लिखा है, स्केल के लिए हार्ड एडहेरिंग कोटिंग ऑन द इनर वॉल्स ऑफ द बॉयलर इज नोन एज व्हाट, स्केल। ठीक है, तो दोनों चीज़ें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई कि स्लज क्या होता है और स्केल क्या होता है। देखो स्केल ऐसे भी दिखेगा, ये हमारा क्या है, पाइप है, कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया का होगा, जब इससे हम कंटिन्यूस वाटर फ्लो कराएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें स्केल फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो स्केल फॉर्मेशन की वजह से देखो ये इतना, इसका इतना क्रॉस सेक्शन था, पहले मैं ब्लू कलर से शो किया है मैंने, इतना क्रॉस सेक्शन था, लेकिन आफ्टर स्केल के बनने के बाद इसका क्रॉस सेक्शन इतना सा हो गया, ये पिंक कलर से आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ये जो पोर्शन में जो वाइट वाइट डिपोजिशन हुआ है, इसको ही हम बोलते हैं क्या, स्केल। क्लियर है? नेक्स्ट हम इसके बीच में डिफरेंशिएशन पढ़ लेते हैं, जिससे कि आपके और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। तो पहली बात हमने करी क्या कि स्लज जो होता है हमारा लूज होता है और सॉफ्ट प्रिसिपिटेट होता है जो कि सस्पेंड होता है वाटर के अंदर। ठीक है, स्केल हमारा हार्ड होता है, हार्ड डिपॉजिट्स होता है ऑन द वॉल ऑफ द बॉयलर। ठीक है, सेकेंड जो पॉइंट है, दे आर नॉन एडहेरेंट एंड नॉट एडहेरेंट डिपॉजिट एंड कैन बी इजली रिमूव। मीन्स देखो जैसे कि डायग्राम में मैंने आपको बताया कि ये कहीं पर भी चिपके हुए नहीं है, फ्री है। ठीक है, और इनको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। लेकिन स्केल जो है मेरी एक अडेरेंट है, यहाँ पर चिपकी हुई है, इसको हम आसानी से रिमूव नहीं कर सकते। क्लियर है? नेक्स्ट जो पॉइंट है, फॉर्म्ड बाय सब्सटेंस लाइक कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सल्फेट्स, कार्बोनेट्स। मीन्स बोल सकते हैं जो स्लज है, स्लज का फॉर्मेशन हमारा हो रहा है क्लोराइड्स एंड सल्फाइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या क्लोराइड्स ऑफ सल्फेट है ना, एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड कार्बोनेट्स ऑफ मैग्नीशियम, इनकी वजह से ये हमारा कौन बन रहा है, स्लज बन रहा है। वहीं स्केल की हम बात करते हैं, फॉर्म्ड बाय सब्सटेंस लाइक कैल्शियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसकी वजह से क्या होता है, स्केल का फॉर्मेशन होता है। तो बहुत सारी एग्जाम्स में, वाइवा वगैरह में पूछ लिया जाता है कि बताइए
कि स्केल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो स्केल के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारे कैल्शियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा स्लज है ये एक कोल्डर टेम्परेचर पे बनता है, मींस लोअर टेम्परेचर पे बोल सकते हैं हम, मींस बॉयलर के अंदर जहाँ पर लोअर टेम्परेचर रहेगा या कोल्डर टेम्परेचर रहेगा वहाँ पर हमारा क्या बनेगा, स्लज का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? जो स्केल है हमारा हीटेड पोर्शन पर होता है, मींस जहाँ पर हीटिंग हो रही है वहाँ पर हमारा स्केल क्या होगा, डेवलप होगा। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा आपके घर पे जो पानी गर्म करने वाली रोड होती है कुछ इस प्रकार का शेप होता है उसका। ठीक है, और ये यहाँ पर हम इसको इलेक्ट्रिसिटी में लगा देते हैं तो इसके ऊपर जो डिपोजिशन हो जाता है वाइट वाइट, देखा होगा आप लोगों ने इस रोड के ऊपर, ये रोड के ऊपर जो डिपोजिशन हो रहा है तो वो ये स्केल है। ये इसीलिए कहा गया है कि ये जनरली हीटेड पोर्शन पर होता है, कौन, स्केल। ठीक है, क्योंकि इससे पानी गर्म होगा, ये बकेट के अंदर आप लगाओगे जब इसको और यहाँ से इसको इलेक्ट्रिसिटी में कनेक्ट करेंगे हम, तो यहाँ पर इसके अंदर जो डिपोजिशन हुआ वो स्केल है और वो एक हीटेड पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, और इस पर ये जनरेट होता है। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, दैट डिक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर बट लेस डेंजरस। स्लज जो है इसकी वजह से एफिशिएंसी जो रहेगी हमारी कम होती है, लेकिन ये ज़्यादा डेंजरस नहीं होता है क्योंकि इसको हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं। लेकिन जो स्केल है हमारी, डिक्रीजेज द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी भी घटाएगा, कौन, स्केल। और ये हमारे लिए क्या बोल सकते हैं कि एक्सप्लोजन के चांसेस बहुत ज़्यादा है, मतलब डेंजरस है, खतरे वाले होते हैं, कौन, स्केल। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताइए स्लज और स्केल्स में कौन सा ज़्यादा डेंजरस होता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, स्केल हमारा ज़्यादा डेंजरस होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है कि स्लज है इसको हम ब्लो डाउन प्रोसेस से रिमूव कर सकते हैं, लेकिन स्केल को ब्लो डाउन प्रोसेस से हम रिमूव नहीं कर सकते। क्लियर है ये चीज़? तो ये कुछ डिफरेंस थे बीच में किसके, स्लज और स्केल के, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, समझ में आए होंगे। और मैं आपको एक और डायग्राम बता देता हूँ जिससे कि आपका स्केल और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से आप समझ गए होंगे कि वाइट डिपोजिशन को ही हमने स्केल बोला है। ठीक है, तो देखते हैं, तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं कि बिफोर हीटिंग ये हमारा कुछ इस प्रकार से था, एंड आफ्टर हीटिंग ये कैसा हो गया, जब हमने इसको हीट किया तो उसके बाद इसके अंदर कुछ स्केल्स का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो इस लेसन में इतना ही, मेरे ख्याल से स्लज और स्केल भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और आप लोग जो प्राइमिंग फॉर्मिंग है उसको देख सकते हैं, हमने उसके वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।